राजनीति में वर्चस्व और बाहुबल एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसका जीता जागता उदाहरण हमें उत्तर प्रदेश से मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का सबसे अहम हिस्सा और सबसे ज्यादा सियासी पेच वाला इलाका है। योगी से पहले पिछले दो दशकों से प्रदेश की राजनीति मायावती, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के आसपास ही घूमती रही। बसपा सुप्रीमो मायावती राज्य की 4 बार की मुख्यमंत्री बनी। उत्तर प्रदेश से राजनीति के कुछ ऐसे चेहरे आज भी हैं जिनका नाम लोग अदब की वजह से धीमे से नहीं बल्कि खौफ के चलते धीमे से लेते हैं। कुछ नामों को अगर हम लें तो जैसे राजा भैया, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विनीत सिंह, ये वो नाम हैं जो राजनेता से ज़्यादा बाहुबल के रूप में लिया जाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन बाहुबलियों को धूल चटाई है महिलाओं ने। जी हाँ, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी फ्रंट डेस्क पर भले ही ना दिखे या भले ही वो राजनीति में किसी ना किसी मजबूरी के चलते ही उतरी हो, लेकिन ये भागीदारी राजनीति को और बेहतर बना रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी महिला चेहरों का नाम लिया जाएगा तो मायावती के बाद शायद ही आपको कोई चेहरा याद हो। अगर ऐसा है तो ये वीडियो बस आपके लिए है। जी हाँ, हम आपको यूपी की उन महिला चेहरों से मिलवाएंगे जिन्होंने इन बाहुबली नेताओं को धूल चटाई है और राजनीति में एक नया मुकाम हासिल किया है। बाहुबली चेहरे: रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, अतीक अहमद, बाहुबली विनीत सिंह, मुख्तार अंसारी। बाहुबलियों के दांत खट्टे कर चुकी हैं यूपी की ये नेत्रियां: राजकुमारी रत्ना सिंह, पूजा पाल, रामलली मिश्रा, अलका राय। पूजा पाल बनाम अतीक अहमद: पूजा पाल राजनीति का एक ऐसा नाम है जो राजनीति में ही अपने पति की हत्या के बाद आई। पति की विरासत को संभालने और पति की हत्या का बदला लेने के लिए पूजा पाल ने राजनीति के गलियारे में कदम रखा। पूजा पाल बसपा का चर्चित नाम है। उनके पति राजू पाल भी बीएसपी विधायक थे। उनकी हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप लगा बाहुबली अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ पर। राजू पाल की हत्या के बाद उनकी विरासत को उनकी पत्नी पूजा पाल ने संभाला। इलाहाबाद से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत भले ही उनकी अच्छी न हो, संघर्षों से भरी हो, लेकिन हार मानने वाली वो नहीं थी। यूपी की इलाहाबाद पश्चिमी सीट से पहली ही बार में उन्होंने पूर्व सांसद अतीक अहमद के बाहुबल और धनबल को चकनाचूर करते हुए उनके भाई अशरफ को साल 2007 में हरा दिया। उस चुनाव के बाद ही अतीक अहमद के बुरे दिन भी शुरू हो गए थे। पूजा पाल ने शहर पश्चिमी से अतीक अहमद के तिलिस्म को खत्म कर दिया। शादी के 9 महीने बाद ही विधवा होने वाली पूजा पाल ने अतीक अहमद को ऐसी पटकनी दी कि वो शाम दाम दंड भेद लगाने के बाद भी राजनीति में वापसी नहीं कर पाए। राजा भैया बनाम राजकुमारी रत्ना सिंह: प्रतापगढ़ की राजनीति से हम सभी परिचित हैं। यहाँ अगर किसी की तूती बोलती है तो वो नाम है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का। राजा भैया प्रतापगढ़ की राजनीति को बदलने का बूता रखते हैं। कुंडा से राजनीति में वो अग्रसर हैं। राजा भैया के गढ़ में अगर किसी ने उनकी नींव हिलाई थी तो वो थी राजस्थान गुजरात के पूर्व राजघराने और महाराणा प्रताप के वंशज परिवार से ताल्लुक रखने वाली राजकुमारी रत्ना सिंह। रत्ना सिंह 1996 और 99 में प्रतापगढ़ से कांग्रेस लोकसभा सांसद रहीं। 2004 के लोकसभा चुनाव में बाहुबली राजा भैया के हाथों उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। दरअसल राजा भैया के बेहद करीबी अक्षय प्रताप सिंह ने राजकुमारी रत्ना सिंह को हरा दिया था। लेकिन राजकुमारी रत्ना सिंह वो महिला नहीं थी जो एक हार से थम जाए। साल 2009 में उन्होंने फिर वापसी की और ये वापसी दमदार रही। ऐसी दमदार कि उसने राजा भैया के सियासी तख्त को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने इस चुनाव में राजा भैया के करीबी को करारी शिकस्त दी थी। इसके बाद ही राजा भैया को भी ये एहसास हो गया था कि एक छत्र राज का सपना बस सपना ही रह जाएगा। रामलली मिश्रा बनाम विनीत सिंह: रामलली मिश्रा जेल में बंद विधायक विजय मिश्रा की पत्नी हैं। वह अब यूपी की सियासत का जाना माना नाम बन चुकी हैं। साल 2016 के एमएलसी चुनाव में उन्होंने बाहुबली विनीत सिंह के भाई को करारी हार दी थी। ये हार विनीत सिंह के दिल पर घर कर गई थी। उन्होंने इस सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन फिर भी वह अपने भाई को जिता नहीं पाए थे। अलका राय बनाम मुख्तार अंसारी: मुख्तार अंसारी, ये वो नाम है जो अपने कुकर्मों के लिए जाने जाते हैं।
मर्डर से लेकर कब्जे ऐसे कौन से अपराध नहीं हैं जिसमें मुख्तार अंसारी का नाम न जुड़ा हो। राजनीति में मुख्तार का ऐसा दबदबा था कि कोई चाहकर भी उनके खिलाफ बोल नहीं पाता था, लेकिन मुख्तार को किसी ने सीधी चुनौती दी और वो भी एक महिला ने। नाम था अलका राय। उनके पति कृष्णानंद राय की सरेआम निशंस हत्या कर दी गई थी। गोलियों से भुनकर उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। हत्या का आरोप लगा सजायाप्त डॉन मुख्तार अंसारी पर। पति की मौत के बाद अलका राजनीति में आई और मुख्तार के भाई जो मोहम्मदाबाद से विधायक भी थे उन्हें पटकनी दी। अब इस सीट पर अलका राय का ही दबदबा है, लेकिन ये दबदबा बनाने में उन्होंने न जाने कितने साल संघर्ष को झेला है। भले ही हम राजनीति और बाहुबल को देश की राजनीति में देखते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि राजनीति में ये बाहुबल न जाने कितने परिवारों को उजाड़ गया है, न जाने कितनों को अपनों से दूर कर दिया है।